हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे उसल और दाल तड़का। तो चलिए इसकी रेसिपी आज हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ उसल ले ली थी, इसकी मैंने एक सीटी ले ली थी। एक सीटी लेना हाई फ्लेम पे और ज़्यादा इसे पकाना नहीं। तो ये थोड़ी पक चुकी है, ये देखिए ज़्यादा नहीं पकी, आधी पक चुकी है और आधी हम बाद में पकाएंगे। तो यहाँ हमारी उसल पक चुकी है, तो अब हम यहाँ एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और तेल में हम जीरा, राई और सौंफ डाल देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ प्याज काट लिया है एक, और हरी मिर्च 2 से 3 इन्हें डाल देंगे, और 2 से 3 सेकेंड इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है, लाल नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट हम इन्हें पकाएंगे। और ये मैं उसल की सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पर। तो ये देखिए थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे प्याज, तो मैं यहाँ अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो यहाँ हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसे भी 2-3 सेकेंड हम पकाएंगे। तो गाइस ये देखिए हमारे जो लहसुन और अदरक और प्याज तीनों ही अच्छे पक चुके हैं, ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम यहाँ हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने उसल को पकाया था आधा, उसे डाल देंगे। तो पानी से डाल दे देना है कि वो पूरी अभी पकी नहीं है, इसलिए हम इसे और पकाएंगे। तो पानी भी डाल दिया हमने, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, जो कुकर में पानी था वही पानी हमने इसमें ऐड किया है। और इसे हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जब तक इसका पूरा पानी सोख नहीं लेते। तो इसे हम ढक देते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक नहीं डाला हुआ था, और मिक्स कर देंगे और ढक देंगे। और अब हम दाल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ तुअर दाल ले ली, उसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है और उसमें पानी डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है, फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। तो इसमें मैंने यहाँ 1 टमाटर बारीक काट के डाल दिया है, देखिए इस तरह से। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे दाल में ही। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, और इसको दाल को अच्छे से पका लेंगे। तो ढक्कन लगा के हम इसे दाल को पका लेते हैं। और हमारी जो सब्जी है वो भी पक रही है, जैसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो चिपक जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा पानी इसका सूख चुका है, तो इसे और हम पका लेंगे जब तक पूरा पानी इसका उसल में सोख नहीं जाता। तो ये देखिए पानी पूरा कम हो चुका है, आप देख सकते हैं, और हमारी जो उसल है वो भी पक चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और ये देखिए पूरा पानी सूख चुका है, और गैस को बंद करके हरा धनिया डाल के गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी उसल की रेसिपी सब्जी बनकर रेडी है। और यहाँ हमारी दाल भी बन चुकी है, ये देखिए तो अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें हम तड़का दे देते हैं दाल को। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेल में हींग डाल देंगे सबसे पहले, और राई और जीरा डाल देंगे। तो राई जीरा थोड़ा ज़्यादा डालना है, और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। और हरी मिर्च 3-4 मैंने काट ली थी लंबे लंबे स्लाइस में, उन्हें डाल देंगे, और हमने जो दाल पकाई है उसे डाल देंगे। ज़्यादा कुछ सामान नहीं डालना है अभी, बस ये हमारी दाल तड़का बनकर रेडी है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। थोड़ा पानी डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और ये देखिए थोड़ा सा बॉईल आने देंगे इसमें, और नमक डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग।
क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, तो थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। और ये देखिए हमारी जो दाल है अच्छे से उकल चुकी है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, पानी भी गर्म डाला हुआ है, तो ज़्यादा बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस हरा धनिया डाल के हमने इसे गैस को बंद कर दिए। तो ये हमारी दाल और सब्जी दोनों रेडी है, तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो आपको ये दाल और उसल की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह से दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। और उसल की सब्ज़ी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ थाली लगा दी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।